अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भी, आप कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक घर से खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ मेरे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, इस नगम के साथ करते आज का व्लॉग स्टार्ट। तो शाम का टाइम है, हमने चाय पी ली है और जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी से जो कपड़े धो लूँ, क्योंकि ट्यूबवेल चला था लेकिन सही नहीं चला, तो इसलिए मैं जो वहाँ पर कपड़े नहीं दिए। दोपहर के टाइम जो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी, तो इसलिए मैंने कपड़े नहीं दिए। और दूसरी बात यह है कि मुनीजा को जो है टीका लगवाने के लिए गई थी शहर, तो मुनीजा को टीका लगवा कर जो है आ गई हूँ। अभी जो मैं कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी से थोड़े से कपड़े वो धो लूँ, मुनीजा के कपड़े पड़े हुए, तो ये रहे कपड़े, ये देख कपड़े मैं लेकर जा रही हूँ। और मुन्नी जान से मिलते हैं और अम्मी जान से मिलते हैं। मुन्नी जान ने माशाल्लाह से अभी जो कपड़े चेंज कर लिए। मुन्नी जा अस्सलाम वालेकुम। ओहो, तो मुन्नी जा जो है टीका लगवा कर आई है, लेकिन इसे जो दर्द वगैरह नहीं है, माशाल्लाह से कैसे खेल रही है गुड़िया बहादुर बच्ची है। और अम्मी जान जैसे लेकर बैठी है, और देखें इसे, सलाम करो सलाम करो, कहो सलाम वालेकुम। अच्छा कहीं फुट रही एडर में नहीं डक गला के ना पड़ रही। अब जान जब्दा, हाँ अब जान जब्दा। बाबा सदम क्या थी नहीं? मेरा बाबा, तेरा बाबा थी नहीं? वो क्या चाय उठे ही देखा से दागर से, हाँ उठ लो खेड़ दा बदिंग। अच्छा तो माशाल्लाह से मेरा छोटा सा भतीजा है, माशाल्लाह से खेल रहा है उठ के साथ। और जी मिजान यहाँ पर बैठी हुई है, कैसी है मिजान आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश हैं? तबीयत सही? हाँ खुश करे, आमीन आमीन। ओहो हो माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर आओ इधर, सलाम करो सलाम कर, सलाम करो ऐसे करो। हाँ जी, और किसके बैठे हो? केंदा पुट रही अब जहाँ जबदा, ये क्या चाय कॉर्डर चाय कहने गया हमी पानी थे क्या? हाँ एडा बड़ा थे भी माशाल्लाह। हाँ तो ये भाई जान का छोटा बेटा और ये बड़ा बेटा, माशाल्लाह से कैसे जे इसने कई उठाई है। तो चले अभी जो कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो अभी कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी से कपड़े धो लूँ, शाम का वक्त होता जा रहा है, फिर खाना बनाना है। अच्छा जी, तो मैंने कपड़े धो के फारिग हो गई हूँ, चले मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े। तो देखे कपड़े धो लिए मैंने सारे के सारे, माशाल्लाह से मुनीजा के भी थे और ये सदाब के भी थे। और ये देखे यहाँ पर जो मेरे बर्तन पड़े हुए, मैंने अभी जो चाय बनाई थी तो बर्तन यहाँ पर रख लिए थे, इनको जो धो लिया है, बस अभी जो इन्हें रख लूँगी साइड पे, फिर जो खाने की तैयारी करेंगे, लेकिन उसके बाद जो घास करके आऊँगी, क्योंकि सदाम जो घर पे नहीं है, तो आज जो घास मुझे ही करना पड़ेगा, तो अभी जो घास पे जाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा जो है दिन ठंडा हो जाए। देखिए कितना ज़्यादा दिन है, ठंडी ठंडी हवा तो चल रही है, लेकिन बाहर जो बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए थोड़ी देर के बाद जो घास करने के लिए जाऊँगी। अच्छा जी, तो अभी जो है मैं घास करने के लिए आ गई हूँ, माशाल्लाह से घास जो कर रही हूँ, तो देखें ये छोटे बच्चे जो है घास कर रहे हैं, देखें माशाल्लाह से मैंने घास कर लिया है। और ये छोटा सा बच्चा ये जो खड़ा हुआ है यहाँ पर, इससे जो है घास नहीं हो रहा, कह रहे हैं कि आप ही मुझे जो है ना सांस नहीं आ रही, मुझे तकलीफ़ हो रही है, जिस समय सांस नहीं है तो आप जो घास कर लें। तो माशाल्लाह से ये खड़ा हुआ है और जो ये घास कर रहा है बकरियों के लिए, अभी घास कर लिया है मैंने। और जो सूरज भी ग्रुप होता जा रहा है, सूरज भी ग्रुप होता जा रहा है, तो कह रही जल्दी जल्दी से घास करके फिर जो घर पे चली जाऊँ, क्योंकि मुनीजा जो है बहुत ज़्यादा रो रही है, तो अभी जो घास कर लिया है, घास करके जा रही हूँ घर। अच्छा जी, तो मैं जो घास करके आ गई, बकरियाँ जो घास खा रही हैं, माशाल्लाह से घास जो खा रही हैं बकरियाँ। Thank you.
और भैंस भी जो है चारा खा रही है माशाल्लाह से, लेकिन आजकल ना भैंस पता नहीं दूध क्यों नहीं दे रही, इसलिए आज तो दूध निकालेंगे ही नहीं, बस इसका नहीं दे रही दूध, शाम के टाइम भी नहीं सुबह के टाइम भी नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब क्या करें, दूध कहाँ से लें और जो गरीब बंदे इतना दूध कैसे लेंगे। तो माशाल्लाह से बकरियाँ वगैरह घास खा रही हैं शाम का वक्त है, और जो सूरज जो ग्रुप होता जा रहा है। और मंजे बिस्तर भी निकाल लिए हमने, तो देखे माशाल्लाह माशाल्लाह छोटी सी गुड़िया देखे कैसे खेल रही है, रालू देखे इसके, इधर देखो बच्चों ने बहुत ज्यादा तंग किया है। तो मुनी दादा अभी मेरे पास है, मैंने जो कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। और एक बात आप लोगों को बताओ, आज हमारे पास आटा नहीं है, आज हमारे पास आटा नहीं है, बहुत ज्यादा जो है ना बस परेशान खड़ी हुई यहाँ पर, तो क्या करें, आज हमारे पास आटा भी नहीं है, चावल वगैरह कुछ भी नहीं पड़े, बच्चे जो रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, तो अब क्या करें, बस देखते हैं। अभी देखें सलाम जो बाहर गया है तो क्या पता उसे जो मजदूरी मिल जाए तो वो आटा लेता है, आज हमारे पास आटा नहीं, बहुत अच्छा सीन है हमारे साथ। अच्छा जी, तो अब दें हमें इजाज़त क्योंकि शाम का वक्त है, सूरज जो ग्रूब होता जा रहा है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये था हमारा आज का व्लॉग, अगले व्लॉग ले दे इजाज़त, तभी तक अल्लाह हाफिज़। लेकिन एक लाइक और सब्सक्राइब कर दे प्लीज़ प्लीज़, छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि प्लीज़ लाइक कर दें।